अगला सरकार जो साल है हमारा अपना है कि अगला सरकार जो हमारा साल है वो नया साल दो सरकार नया साल अमरनाथ सरकार। आज स्थिति यह है कि जितनी भी बातें विधानसभा के बाहर विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा माननीय मंत्री जी द्वारा कही जा रही है सारी की सारी बातों में कितनी सच्चाई है ये बहुत कुछ सोचने की बात है। आज स्थिति यह है कि कौन सा वर्ग परेशान नहीं है, हर वर्ग इस प्रदेश में परेशान है। बार बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हर वर्ग परेशान है। आप देखिए कि महंगाई की स्थिति क्या है, आज से 5-6 साल पहले जब केंद्र में यहाँ की भाजपा सरकार थी कांग्रेस की सरकार थी दोनों में तुलना करें तो महंगाई की स्थिति क्या है, डीजल और पेट्रोल के दाम कितने बढ़ गए हैं, खाने की चीजों के दाम कितने बढ़ गए हैं। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से खाने की चीजों के लिए दाम भी बढ़ते हैं क्योंकि वाहन का किराया बढ़ता है। फिर उसके बाद में आप देखिए इस समय सबसे ज्यादा कोई अगर दुखी है तो हमारी माता बहन है गृहिणी है जिनको घर चलाना पड़ता है। मेरा ये कहना है कि हमने संकल्प लिया है हम अगले साल पूरा साल 1 जनवरी के बाद पूरे प्रदेश में अत्याचार के खिलाफ घोरा आक्रोश जनता में घोरा आक्रोश को व्यक्त करने के लिए रैलियां करेंगे प्रदर्शन करेंगे धरना करेंगे और इसके साथ में भाजपा सरकार की भी हराम करने की बात को लेके आप इस प्रदेश के अंत क्या। आज सबसे महत्वपूर्ण बात की जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हमको देखना है कि जनता कितनी परेशान उसके बारे में बात नहीं कर फिल्मों के अभिनेत्रियों के कपड़े कैसे हों कौन सी फिल्म चले कौन सी फिल्म ना चले। आपकी को विषय है आपने कभी किसी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को या मंत्री जी को कैसे सुना है कि भाई बेरोजगारी दूर करने की हम ये कर रहे हैं। कल बहुत सारे आकर दिए गए विधानसभा की बात में यहाँ नहीं करना चाहता क्योंकि वो उसकी एक सीमा है किंतु यह कहते हैं काम नहीं चलता है कि हम इतने लाखों को नौकरी देंगे हम 1,00,000-2,000 को काम दे देंगे हम जो है आदिवासियों के लिए ये कर देंगे। आज के पहले उनको आज जो एक 2-1.5 साल के पहले जितने आदिवासी नेता थे उनकी जयंतियां उनकी पुण्य जयंतियां उनके साधन स्तर थे कि किसने बनाया चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति किसने लगाई टाटा भीर की मूर्ति किसने लगाई आदिवासी के नेताओं के जन्मदिन और उनके साधन दिन उनका आयोजन कौन करता था सब कांग्रेस पार्टी करती थी। तो मेरा कहना है कि ये केवल वोट प्राप्त करने के लिए पूरी सरकार चल रही है इनके सारे कार्यक्रम इनके सारे आयोजन जाति के आधार पर धर्म के आधार पर देश के बंटवारे के तोड़ने के लिए ये सब किए। आदरणीय चंद्रवा शेखर जी ने बताया जो हमारे कार्यक्रम चलेंगे इस रूप से नए साल में हम लोग नए संकल्प के साथ प्रदेश की जनता के सामने जाएंगे। हमारे बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं जिनके माध्यम से हम जनता तक जुड़ेंगे। शेखर जी ने जो बताया है उसमें हम हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम है गांधी चौपाल है इन सभी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की जो भी गलतियां हैं उनके जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर करने के लिए जनता तक जाएंगे। मैं तो केवल इस बात की चर्चा करना चाहता हूँ कि जो पिछले 2-3 दिनों में आपने देखा जिस तरह से हमारे सम्मानित विधायक साथियों ने कांग्रेस के अपना पक्ष रखा हमारे साथियों ने आंकड़े के साथ जानकारी विधानसभा पटल पर रखी उसके उत्तर में प्रत्युत्तर में जिस तरह से जो जवाब आए हैं जिस तरह से अपना प्रमाण किया गया है जो पिछले 15 सालों से करना है लेकिन प्रदेश की जनता जानती है और हम जनता समझ रही है। हम तो केवल आपको वह आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। अगर ये कहते हैं कि हमने आदिवासियों के लिए बहुत कुछ किया है तो एनसीआरबी राष्ट्रीय अपराध अनुसंधान ब्यूरो के रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश आदिवासी अत्याचार में पूरे देश में नंबर 3 पर। अगर इन्होंने 15 वर्ष में और भी ज्यादा वर्षों में कुछ करा है तो ये आंकड़े क्या गलत है। एनसीआरबी कहता है कि मध्य प्रदेश बच्चों के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित है। मध्य प्रदेश बलात्कार और यौन शोषण के मामले में लगातार 4 वर्षों से पूरे देश में नंबर 1 पर है। वैश्विक गरीबी इंडेक्स में मध्य प्रदेश देश के सबसे अधिक गरीब राज्यों में शामिल है। एनसीआरबी कहता है कि मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला देश के सबसे गरीब जिला बन गया। ये हम सभी लोगों के लिए मध्य प्रदेश वासियों के लिए शर्म की बात है कि एक आदिवासी जिला जिसका प्रमाण भारतीय जनता पार्टी समय समय पर आदिवासियों के बीच में जाकर करती है अरबों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद वहां पर प्रचार करती है कि हमने ये किया
सही बात तो ये है कि 15 वर्षों की कमलनाथ जी की सरकार ने जो आदिवासियों के हित में कदम उठाए थे उससे भयभीत होकर आज ये केवल अपनी बातें आदिवासियों के बीच में जाकर करते हैं। खुशी सूचना की बात करें तो 36 राज्यों की सूची में मध्य प्रदेश सबसे नीचे गिरकर 35 नंबर पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य सूचना की बात करें तो यहाँ की 19 बड़े राज्यों की सूची में मध्य प्रदेश सबसे नीचे गिरकर 17 नंबर पर है। ये आंकड़े आप पूछेंगे नीचे पर। शिक्षा सूचना की बात करें तो 29 राज्यों की सूची में मध्य प्रदेश 23 नंबर पर है। देश में उत्तर प्रदेश और बिहार को छोड़कर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 2.34 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। शिशु मृत्यु दर भी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर 33,033 है जबकि मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर 43 है। पर ऑन रिकॉर्ड शब्द कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी ने ऑन रिकॉर्ड शब्द का उपयोग किया जिसके रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास है। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड यह कहते हुए हमारे लीडर और हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की कि वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया। उन्होंने बेशर्मी के वशीभूत होकर, मैं तुम के साथ बेशर्मी शब्द उपयोग कर रहा हूं, मगर जैसे को तैसा जवाब देना हमारी मजबूरी है। हमारे 5 महापापों को गिनाया, आज मैं हमारे सीनियर लीडर्स के सामने स्वीकार करता हूं यहां मेरी सरकार ने 5 महापाप किए। पहला पाप यह था कि हमने सांप को अधमरा छोड़ दिया कुचला ने। दूसरा पाप हमारा यह था कि हमारे अल्प समय की सरकार ने राजनीतिक आर्थिक और पार्लियामेंट इलेक्शन नजदीक था, उस प्राथमिकता को देते हुए उन पापियों को सजा नहीं दिलवा पाए। यह हमारा दूसरा पाप। तीसरा पाप था कि हमने व्यभिचारियों को बेनकाब नहीं कर पाए। चौथा पाप था कि डंबर, आप उसके साक्षी हैं कि मध्य प्रदेश का गठन 1956 में हुआ। 1956 से लेकर आज तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, किसी मुख्यमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले में भोपाल की जिला अदालत ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर का आदेश दर्ज किया। वो जज का नाम था भारे साहब, मामला था डंपर का, और उसके हीरो थे ईमानदारी की सावित्री शिवराज सिंह चौहान। उनके विरुद्ध कोर्ट ने संज्ञान लेकर मध्य प्रदेश में पहली बार एफआईआर दर्ज करने के आदेश मुख्यमंत्री जी ने दिए। हमारा महापाप था कि 3300 करोड़ की टेंडरिंग में, जिसमें हमारी सरकार ने 4 एफआईआर दर्ज करवाई थी, अभी 20 दिन पहले मालूम है मुख्यमंत्री जी को कि 2023 में कमलनाथ जी की सरकार आ रही है। इतने ताबड़तोड़ जल्दबाजी में ई टेंडरिंग के आरोपियों को बरी करवा दिया गया। ईमानदार है आप शिवराज जी, तो मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब तक अपील में क्यों नहीं गई। और उस ई टेंडरिंग में जो न्यायालय का फैसला आया है, माननीय न्यायाधीश महोदय ने लिखा है कि अभियोजन पक्ष साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया। यदि साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुए थे तो करोड़ रुपयों के भ्रष्टाचार की एफआईआर ईओडब्ल्यू ने क्यों दर्ज की? यानी सरकार ने बरी करवाया। कोर्ट का स्पष्ट संकेत है कि अभियोजन पक्ष अपराध साबित नहीं कर पाया। हमारा महापाप, हमारा महापाप था कि व्यापम घोटाला जिसमें प्रदेश के राज्यपाल पर एफआईआर दर्ज हुई, उनका ओएसडी जेल में गया। मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, आपके ओएसडी की भी ताबड़तोड़ जमानत हुई, उसके बाद से आप
यह हमारा पाप था। बच्चे जेल जा रहे हैं, 4-4 साल की इनको सजा हो गई है, मगर जिसमें राज्यपाल शामिल, राज्यपाल एफआईआर की पहली बार हुई मध्य प्रदेश में, या तो मैं कहूंगा देश में शायद पहली बार होती है एफआईआर हाईकोर्ट के निर्देश पर, उनका ओएसडी जल गया। मुख्यमंत्री जी बनना चाहिए, उनके ओएसडी की जमानत हुई। मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा जो दुनिया में नहीं है वो जेल गए, उनका स्टाफ जेल गया। आईएएस पर उंगलियां होती, आईपीएस लोगों पर उंगलियां होती, और बच्चे जेल जा रहे हैं। हमारा महापाप था कि समय की कमी की वजह से हम आपको जेल नहीं भेज पाए। हमारा महापाप था कि सिंहवत घोटाले की जांच पूरी नहीं हो पाई। हमारा महापाप था कि 67 करोड़ का जो आपने दावा किया था ग्रीन बुक ऑफ वर्ल्ड में कि वृक्षारोपण फर्जी हुआ है, हम उसकी जांच नहीं कर पाए। ये हमारा महापाप था। और आपने कल ऑन रिकॉर्ड कहा कि हमारी सरकार किसी की मेहरबानी पर नहीं आई है। माननीय शिवराज सिंह जी, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपकी सरकार जो आपके नेतृत्व में 16 साल से चल रही है वो जेल के सीढ़ियों में होती, और रात को आप सरकार से हटने के बाद रात को 3-3 बजे 2-2 बजे सो के बैठ जाते थे, क्योंकि जिला आपको जिला जेल सेंट्रल जेल दिखाई देती थी, और उसी काले धन से आपने हमारी सरकार गिराई। और आप कहते हैं कि इसकी मेहरबानी से नहीं आया।